दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज की ये जो स्टोरी है ये विक्रम बेताल की सीरीज़ से ली गई है। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, सुनकर आपको बहुत मज़ा आएगा। उसके अलावा इस स्टोरी के अंदर आपको कई सारे नए इंग्लिश के नए वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनंसिएशन का पता चलेगा, और जो इसका ग्रामर का पार्ट है हम उसे बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे। हर स्ट्रक्चर को मैं बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। तो दोस्तों, चलिए आज की इस स्टोरी को हम शुरू करते हैं, और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है द फेथफुल सर्वेंट्स। क्या मतलब हुआ? फेथफुल का मतलब होता है वफादार, और ये एक एडजेक्टिव है, और सर्वेंट्स का मतलब होता है नौकर या फिर सेवक। तो इस का क्या मतलब हुआ? द फेथफुल सर्वेंट्स मतलब कि वफादार सेवक, या कह सकते हैं वफादार नौकर। तो दोस्तों, ये आज की इस हमारी कहानी का टाइटल है और शीर्षक है, और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है, आप इसे पूरा ध्यान से सुने ताकि आप इसे बिल्कुल अच्छे से समझ सकें। चलिए इसको शुरू करते हैं। किंग धर्मवीर ऑफ वाराणसी वॉज लुकिंग फॉर अ ब्राइड। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो इस हमारा वाक्य है ये पास्ट कॉन्टिन्यूस का सेंटेंस है, और लुकिंग फॉर का मतलब होता है ढूंढना या फिर तलाश करना। किंग धर्मवीर ऑफ वाराणसी मतलब कि बनारस वाराणसी के राजा धर्मवीर वॉज लुकिंग फॉर ए ब्राइड, वो एक दुल्हन ढूंढ रहे थे। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ कि वाराणसी के राजा धर्मवीर एक दुल्हन ढूंढ रहे थे, मतलब उनको दुल्हन की तलाश थी। ही हैड प्रोक्लेम्ड दैट बिफोर एनी वन इन हिज किंगडम गॉट हिज डॉटर मैरिड ऑफ He was to be informed। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो हमारा वाक्य है यहाँ हैड के साथ थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया है, प्रोक्लेम्ड। ये पास्ट परफेक्ट का वाक्य है, जब भी हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है तो इस तरह के वाक्य को पास्ट परफेक्ट का वाक्य कहा जाता है। और प्रोक्लेम का मतलब होता है घोषणा करना, उद्घोषणा करना। ही हैड प्रोक्लेम्ड उन्होंने घोषणा की हुई थी दैट की बिफोर एनी वन मतलब बिफोर एनी वन मतलब सबके सामने इन हिज किंगडम अपने राज्य में गॉट हिज डॉटर मतलब कि यदि किसी की बेटी हो मैरिड ऑफ मतलब कि शादी के लिए ही वॉज टू बी इन्फॉर्म्ड उन्हें सूचित किया जाए। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि उन्होंने सभी लोगों से इस चीज़ की घोषणा की हुई थी कि यदि किसी की भी बेटी हो राज्य में शादी के लिए तो उन्हें इस चीज़ की इतला की जाए, या कह सकते हैं उन्हें इस चीज़ की सूचना दी जाए। इन द सेम किंगडम मतलब कि उसी राज्य में देयर वॉज अ रिच मर्चेंट मतलब वहाँ एक अमीर व्यापारी था बाय द नेम ऑफ विद्यानंद बाय द नेम ऑफ विद्यानंद मतलब कि विद्यानंद नाम से। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि उसी राज्य में विद्यानंद नाम से एक अमीर व्यापारी था। हिज डॉटर पार्वती उसकी बेटी पार्वती वॉज़ अ वाइज एंड ब्यूटिफुल गर्ल। वाइज का मतलब होता है बुद्धिमान, और ब्यूटिफुल मतलब खूबसूरत या सुंदर, जो और ये दोनों के दोनों एडजेक्टिव हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ? हिज डॉटर पार्वती उसकी बेटी पार्वती वॉज ए वाइज एंड ब्यूटिफुल गर्ल एक मतलब सुंदर और बुद्धिमान लड़की थी। वैन जब द टाइम केम टू गिव हर हैंड इन मैरिज क्या मतलब हुआ? जब उसका हाथ विवाह में देने का समय आया, when the time came to give her hand in marriage मतलब जब उसके विवाह करने का समय आया, कह सकते हैं जब उसका हाथ विवाह में देने का समय आया। विद्यानंद went to the king जो विद्यानंद थे वो राजा के पास गए। दोस्तों, ये जो हमारा सेंटेंस है यहाँ गो की सेकेंड फॉर्म का प्रयोग किया गया है went, और जब भी हम किसी वाक्य के अंदर वर्ब की सेकेंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं तो वो हमारा पास्ट इंडेफिनेट का वाक्य होता है, और ये अफर्मेटिव का वाक्य है। तो क्या मतलब हुआ? विद्यानंद वेंट टू द किंग विद्यानंद राजा के पास गए एंड एक्सप्रेस्ड हिज डिज़ायर टू मैरी ऑफ हिज डॉटर। एक्सप्रेस का मतलब होता है व्यक्त करना, और उन्होंने व्यक्त की हिज डिज़ायर अपनी इच्छा को टू मैरी ऑफ हिज डॉटर अपनी बेटी की शादी करने की। तो इसका क्या मतलब हुआ पूरी लाइन का कि विद्यानंद राजा के पास गए और उन्होंने अपनी जो उनकी इच्छा थी अपनी बेटी की शादी करने की उसको उन्होंने व्यक्त किया। द किंग सैड राजा ने कहा इफ़ आई फाइंड यदि मैं पाता हूँ दैट की योर डॉटर इज़ सूटेबल कि जो आपकी बेटी है वो सूटेबल है मतलब कि ठीक है फॉर मी मेरे लिए आई विल मैरी हर मैं उससे विवाह करूँगा। अदरवाइज नहीं तो यू कैन लुक फॉर
अनादर ग्रूम फॉर हर, ग्रूम का मतलब दूल्हा, अदरवाइज यू कैन लुक फॉर अनादर ग्रूम फॉर, वरना आप मतलब कि उसके लिए कोई दूसरा दूल्हा दूल्हा ढूंढ लेना। चलिए आगे देखिए, द किंग दैन सेंट टू ऑफ हिज सर्वेंट्स टू मीट हर, क्या मतलब हुआ? ये सेंट की सेकेंड फॉर्म है सेंट, और दोस्तों ये भी वाक्य हमारा पास्ट इंडेफिनिट का है, पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है, इसलिए सेकेंड फॉर्म का प्रयोग किया गया है। द किंग, जो राजा था, देन फिर सेंट, भेजे टू ऑफ हिज सर्वेंट्स, अपने दो नौकरों को, टू मीट हर, उससे मिलने के लिए। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? फिर राजा ने अपने दो नौकरों को उससे मिलने के लिए भेजा, और ये जो हर है वो उस लड़की के लिए यूज़ हो रहा है। बोथ द सर्वेंट्स, मतलब कि दोनों नौकर, वर वाइज, वो बुद्धिमान थे, एट जजिंग ब्यूटी एंड कैरेक्टर, मतलब वो बुद्धिमान थे जज करने में, मतलब कि पता लगाने में किस चीज़ का, ब्यूटी, सुंदरता को और कैरेक्टर को, चरित्र को। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि जो वो दोनों नौकर थे या कह सकते हैं सेवक थे, वो बहुत वो बुद्धिमान थे, किस चीज़ में, एट जजिंग ब्यूटी एंड कैरेक्टर, मतलब चरित्र और बुद्धि का को जज कर पाने में, मतलब उसको सही पता लगाने में वो काफ़ी वो क्या थे, बुद्धिमान थे। When they met पार्वती, जब वे पार्वती से मिले, they found, उन्होंने पाया, हर, उसे, to be extremely beautiful, उन्होंने उसे बहुत ज़्यादा सुंदर पाया। found का ये find की second form है, उन मतलब कि उन्हें वो बहुत ज़्यादा सुंदर लगी। but लेकिन they also realized, लेकिन उन्होंने ये चीज़ भी महसूस की, that की she was too strong willed, strong willed का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति कि जिसकी इच्छा शक्ति बहुत ज़्यादा मजबूत हो। लेकिन उन्होंने क्या पाया कि शी वॉज टू स्ट्रॉन्ग विल्ड, वो बहुत ज़्यादा मजबूत इच्छा शक्ति की थी। दे फेल्ट, उन्होंने सोचा, दैट कि शी माइट डोमिनेट द किंग, डोमिनेट का मतलब होता है किसी पर राज चलाना, शी माइट डोमिनेट द किंग, शायद वो राजा पर राज चलाएगी, या मतलब उस पर शासन करेगी, उस पर अपना हुक्म चलाएगी। एंड इसलिए, देयर फोर, इसलिए, मेक हिम अनफिट टू रूल ओवर द किंगडम, और उसको वो अनफिट कर देगी किस चीज़ के लिए, शासन करने के लिए राज्य के ऊपर। चलिए आगे देखिए, देयर फोर, इसलिए, दे वेंट टू द किंग, इसलिए वो राजा के पास गए, एंड और रिपोर्टेड, और उन्होंने खबर की, टू हिम, और उन्होंने उसे खबर की, दैट कि दे फाउंड हर अनफिट, और उन्होंने उसको अनफिट पाया, मतलब कि अनुचित पाया, टू मैरी हिम, उस मतलब मैरी हिम, उसे शादी के लिए, और ये जो हिम है वो राजा के लिए यूज़ किया गया है। द किंग देन अलाउड द मर्चेंट टू मैरी हिज डॉटर ऑफ टू वन ऑफ द मिनिस्टर्स, क्या मतलब हुआ? द किंग देन अलाउड, अलाउ का मतलब होता है अनुमति देना, और ये सेकेंड फॉर्म है। फिर उसके बाद, या कह सकते हैं, फिर राजा ने अनुमति दे दी द मर्चेंट, व्यापारी को, किस चीज़ की, टू मैरी हिज डॉटर ऑफ, उस अपनी बेटी का विवाह करने के लिए, टू वन ऑफ द मिनिस्टर्स, किसी मंत्री से। चलिए आगे देखिए, अ फ्यू वीक्स आफ्टर, मतलब कि कुछ हफ्तों के बाद, पार्वती वॉज मैरिड टू द मिनिस्टर, जो पार्वती थी उसकी शादी कर दी गई, या कह सकते हैं उसका विवाह किया गया एक मंत्री से। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि कुछ हफ्तों के बाद पार्वती का एक मंत्री से विवाह कर दिया गया। किंग धर्मवीर, जो किंग राजा धर्मवीर थे, हैपन्ड टू सी हर, उनका देखना हुआ उसको, ऑन द बालकनी, मतलब कि बालकनी पर, या कह सकते हैं परछत्ती पर, ऑफ द हिज मिनिस्टर्स पैलेस, जो उसके मंत्री की, जो उनके जो मंत्री की जो महल था उसकी बालकनी पर उनका उसे देखना हुआ। तो इस पूरी लाइन का आप मतलब समझ ही गए होंगे कि राजा का एक उससे उसको देखना हुआ, मतलब कि उन्होंने उसको देखा, कहाँ पर देखा, जो उनके जो मिनिस्टर का जो महल था, जो उनके मंत्री का जो महल था उसकी बालकनी पर उनका उसे देखना हुआ। द किंग वॉज वंडर स्ट्रक बाय हर ब्यूटी, वंडर स्ट्रक का मतलब होता है एकदम से मंत्रमुग्ध हो जाना, तो जो राजा थे वो बिल्कुल मंत्रमुग्ध हो गए बाय हर ब्यूटी, उसकी सुंदरता से। चलिए आगे देखिए, ही वॉज फ्यूरियस, फ्यूरियस फ्यूरियस एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है आग बबूला होना, गुस्से में होना, क्रोधित होना। ही वॉज फ्यूरियस मतलब क्रोधित थे, दैट कि हिज सर्वेंट्स, जो उसके नौकर सेवक थे, हैड रिपोर्टेड रॉन्गली टू हिम, और उन्होंने उसे गलत खबर दी थी, झूठी खबर दी थी। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि ही वॉज फ्यूरियस दैट हिज सर्वेंट्स हैड रिपोर्टेड रॉन्गली टू हिम, कि वो मतलब कि क्रोधित थे, गुस्से में थे, क्योंकि उन्हें ऐसा लगा कि हिज सर्वेंट्स, मतलब कि जो उनके नौकर हैं, उन्होंने उन्हें झूठी खबर दी थी। ही पुट दैम बोथ टू डेथ, मतलब उन्होंने उन दोनों को पुट टू डेथ, मतलब कि मौत के लिए रख दिया, या कह सकते हैं मौत की सजा देने के लिए डाल दिया। चलिए आगे देखिए,
बेताल आस्ट किंग विक्रम, बेताल ने राजा विक्रम से पूछा, डू यू थिंक, क्या आपको लगता है किंग धर्मवीर वॉज जस्टिफाइड, मतलब जो किंग धर्मवीर थे वो मतलब कि न्यायोचित थे, या क्या वो उनका न्याय का काम था, धर्मवीर वॉज जस्टिफाइड इन पुटिंग हिज सर्वेंट्स टू डेथ, मतलब अपने नौकरों को डेथ की, मौत की सजा देने में। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ, बेताल ने राजा विक्रम से पूछा कि क्या आपको लगता है कि जो राजा धर्मवीर थे, किंग धर्मवीर, वो जस्टिफाइड, मतलब वो न्याय संगत था इन पुटिंग हिज सर्वेंट्स टू डेथ, अपने नौकरों को मौत की सज़ा देने का, जो उन्होंने मौत की सज़ा दिया, उनको मौत दी, वो न्याय संगत था। किंग विक्रम सेड, राजा विक्रम ने कहा, द टू सर्वेंट्स वर लॉयल टू द किंग, जो ये दो नौकर थे वो क्या थे, लॉयल थे, वफादार थे टू द किंग, राजा के प्रति, एंड ओनली डिड, और उन्होंने सिर्फ वही किया, वॉट वॉज राइट, जो कि उचित था, या कह सकते हैं जो कि ठीक था। They were more concerned with their king's future. मतलब वो ज़्यादा जो थे चिंतित थे, concerned मतलब चिंतित थे किस बारे में, with their king's future, अपने राजा के भविष्य के बारे में, भविष्य को लेकर, than his desire, उनकी इच्छा से ज़्यादा। तो इसका क्या मतलब हुआ कि वो जो नौकर थे वो राजा की इच्छा से ज़्यादा, उनके जो भविष्य था उसको लेकर वो ज़्यादा चिंतित थे, for a woman, एक महिला के लिए। तो इसका लाइन का आप मतलब समझ ही गए होंगे अच्छी तरह से कि वो जो नौकर थे वो इस चीज़ से ज़्यादा चिंतित थे कि राजा का क्या भविष्य होगा, जबकि वो इस चीज़ से ज़्यादा चिंतित नहीं थे कि राजा की किस मतलब कि क्या इच्छा है किसी भी महिला के लिए। हैंस, इसलिए किंग धर्मवीर, जो राजा धर्मवीर थे, वॉज टोटली अनजस्टिफाइड, वो क्या थे, टोटली अनजस्टिफाइड मतलब पूरी तरह से अनजस्टिफाइड थे, मतलब कि वो अन्यायी थे या न्याय संगत नहीं थे, इन पुटिंग द टू लॉयल सर्वेंट्स टू डेथ, उन दोनों को मतलब उन दोनों वफादार नौकरों को मौत की सजा देने में। चलिए आगे देखिए, यू आर द वर्दीएस्ट किंग, मतलब आप सबसे ज़्यादा लायक राजा हो इन द वर्ल्ड, दुनिया में, इस संसार में, बट लेकिन यू हैव अगेन ब्रोकन योर साइलेंस, लेकिन तुमने दोबारा से अपना जो साइलेंस है, खामोशी, उसे तोड़ा है, सैड बेताल, बेताल ने कहा, एंड वेंट बैक, और वापस चला गया टू द बनियान ट्री, उस बरगद के पेड़ पर। किंग विक्रम वेंट बैक टू फैच हिम अगेन, और जो राजा विक्रम थे वो वापस गए टू फैच हिम अगेन, उसे दोबारा से लाने के लिए। तो दोस्तों, ये आज की एक हमारी छोटी सी स्टोरी थी विक्रम बेताल की सीरीज से, और मैं उम्मीद करता हूँ स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी, और यदि आपको आज की स्टोरी अच्छी लगी हो और मेरा पढ़ाने का प्रयास भी अच्छा लगा हो, तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और दोस्तों सब्सक्राइब करने के अलावा बेल आइकन भी प्रेस करें जिससे आपको नोटिफिकेशन समय पर मिलती रहे, और यदि आपका कोई सुझाव हो तो कमेंट के माध्यम से मुझे ज़रूर बताएँ। यहाँ तक सुनने के लिए थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे एंड बाय।